हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनम योर। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि हाउ टू ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन द डेटा फ्रेम्स एंड द MySQL। डेटा फ्रेम और MySQL के बीच में डेटा को किस तरह से ट्रांसफ़र करना है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको ट्रांसफ़र करना है डेटा MySQL और डेटा फ्रेम में, तो आपको PyMySQL जो है वो आपको पहले इंस्टॉल करना होगा। दे आर टू वेज टू कनेक्ट MySQL एंड द पाइथन। पहला तरीका है MySQL कनेक्टर विथ दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ओरेकल, उससे आप कनेक्ट हो सकते हो MySQL कनेक्टर से। और दूसरा तरीका है हमारे पास MySQL कंपनी की जो PyMySQL है हमारे पास, उसको यूज़ करके पाइथन जो इसे ऑलरेडी खुद ही प्रोवाइड करता है उसे यूज़ करके हम यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे इंस्टॉलिंग MySQL कनेक्टर और PyMySQL पैकेजेस के वेरियस जो स्टेप्स है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। पिप इंस्टॉल PyMySQL कनेक्टर को किस तरह से हमें इंस्टॉल और डाउनलोड करना है वो हमें दिया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। उसकी जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको देखना है कि किस तरह से PyMySQL कनेक्टर को हम डाउनलोड करके अपने PC पर इंस्टॉल करते हैं, तो आप उसे देख सकते हो मेरे उस वीडियो को। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि PyMySQL कनेक्टर आपका जो इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम कैसे MySQL डेटाबेस को डेटा फ्रेम में ट्रांसफ़र करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास वेरियस 5 स्टेप्स हैं यहाँ पे जिसे हमें फॉलो करना होता है डेटाबेस डेटा फ्रेम में ट्रांसफ़र करने के लिए डेटाबेस की डेटास को। तो हम सबसे पहला स्टेप्स हमारा जो है इम्पोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। ठीक है ना, हमारा जो पहला स्टेप है, हमें एक लाइब्रेरी जो होती है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है नंपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होता है, पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होता है, मैटप्लॉट इंपोर्ट करना होता है, उसी तरह से डेटा को ट्रांसफर करने से डेटाबेस और डेटा फ्रेम में हमें एक पैकेज होता है जिसे इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उस पैकेज का नाम है MySQL.connector। ठीक है, तो सबसे पहले वो पैकेज को हमें इंपोर्ट करना होता है। मैंने ऑलरेडी वो कोडिंग आपकी ये जो भी हमारी कोडिंग है वो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, मैं उसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक हमारा जो आइडियली फॉर्म है हम उसे ओपन कर लेते हैं। दिस इज़ द इमीडिएट मोड। ठीक है, उसे ओपन करने पे के बाद हम वहाँ पे हमने जो ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट करके रखी है वो ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम वो फाइल को वहाँ पे कोडिंग को राइट डाउन करके अपनी क्वेरी को रन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक dbcon नाम का एक फ़ाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, दिस वन, उसके अंदर मैंने सारी कोडिंग्स लिखी हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप है इंपोर्ट पांडास एज अ PD एंड इंपोर्ट MySQL कनेक्टर एज अ SQL TOR। यहाँ पे SQL TOR में आप अपने कोई भी एलियास नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो MySQL कनेक्टर का। और पांडास की हमें जो रिकॉर्ड्स है फैच करने के लिए, हमारी जो क्वेरी हम लिखेंगे वो फैच करके डेटा फ्रेम में स्टोर कराने के लिए, डेटा फ्रेम हमारा पांडास से रिलेटेड है, तो इसलिए हमें पांडास के पैकेज को भी यहाँ पे इंस्टॉल करने की हमने यहाँ पे कोडिंग लिख ली है। तो हमें 2 पैकेजेस रिक्वायर्ड है वो हमने यहाँ पे उसकी कोडिंग लिख ली है, इंपोर्ट पांडास एस PD, इंपोर्ट MySQL.connector एज अ SQL connector। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है हमारा ओपन द कनेक्शन टू अ MySQL डेटाबेस। हमें हमारे MySQL डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करना है, तो जिसके लिए हमें यहाँ पे एक कनेक्ट नाम का फंक्शन है वो यूज़ करना होता है MySQL कनेक्टर का, जो हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है MySQL डेटाबेस के बीच में, जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड एंड डेटाबेस। ठीक है ना, वो पैरामीटर्स हमें वहाँ पे फिल करने होते हैं। यूज़र में हमने जो MySQL का यूज़र नेम है, MySQL का जो पासवर्ड है वो प्रोवाइड करना होता है। होस्ट नेम में हमारा जो लोकल होस्ट हमारा नेम होता है होस्ट का या IP एड्रेस वो हमें यहाँ पे होस्ट के अंदर प्रोवाइड करना होता है। डेटाबेस में हमें जिस डेटाबेस को कनेक्ट करना है MySQL के, उसका नाम हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है MySQL, हमने डेटाबेस का कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे हमने अलियास नेम यूज़ किया है MySQL कनेक्टर का। कनेक्ट फंक्शन के अंदर जो 4 आर्ग्यूमेंट्स हमें यहाँ पे पास करने हैं वो हमने यहाँ पे 1 by 1 लोकल होस्ट, रूट, माई पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड होगा MySQL का, वो इस तरह से आप लिख के आप यहाँ पे पास कर सकते हो। और जिस कनेक्शन को आपको ओपन करना है डेटाबेस कनेक्शन को, उसका डेटाबेस का नेम आपको यहाँ पे पास करना है। तो आपको एक बात की श्योरिटी यहाँ पे रखनी है कि आपका जो डेटाबेस का नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग डेटाबेस होना चाहिए, यानी ऑलरेडी आपका क्रिएटेड होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, MySQL में मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट नाम का, देखो आप यहाँ पे सबसे पहले रूट नाम के पासवर्ड से मैं यहाँ पे एंटर हो रही हूँ, और मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट करके रखा है। मैं उसे ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। देखो डेटाबेस चेंज
डेटाबेस क्रिएटेड है। अब उसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया है, मैं आपको टेबल शो करके दिखाती हूँ सो टेबल्स क्वेरी के थ्रू। देखो मार्क्स नाम का एक टेबल है, मार्क्स नाम के टेबल में मैंने 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, तो मैं आपको लिख के क्वेरी लिख के दिखाती हूँ किस तरह से आप उस पर्टिकुलर डेटा टेबल की क्वेरी कितने नंबर ऑफ रोज हैं वो देख सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स इस तरह से, तो देखो आप यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, यानी दिस डेटाबेस इज एग्जिस्टिंग। देखिए मैंने जो स्टूडेंट डेटाबेस में यहाँ पे मैंने क्वेरी में लिखा है ओपन करने के लिए, वो पर्टिकुलर डेटाबेस मेरा एग्जिस्टिंग है। आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, होस्ट में लोकल होस्ट पास किया है, यूज़र में रूट, जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जब आप MySQL को इंस्टॉल करते हो जो भी सेट करते हो आपको यहाँ पे वो रखना है। मैंने रूट सेट करके रखा था पासवर्ड और यूज़र आईडी में, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है। डेटाबेस जैसे कि मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया है, स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है। और यहाँ पे कैरेक्टर सेट एक होता है जिसके अगर आप ये नहीं लिखोगे तो हमारा जो MySQL का वर्जन होता है उसकी आपको एरर आती है कि अननोन कैरेक्टर सेट UTF-8 MB4 का, वो एरर को आपको अगर नहीं चाहिए तो आपका उसका कैरेक्टर सेट यहाँ पे UTF-8 करना होगा। तो वन मोर एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करना है अगर आपको वो एरर नहीं चाहिए तो। तो ये इस तरह से हमने 5 आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे पास करके अपना कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया है माई कौन नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो हमें यहाँ पे क्या कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि लोकल मशीन पे जब MySQL इंस्टॉलेशन आप करते हो तो जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आप प्रोवाइड करते हो वही यूज़र आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक बार आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, अगर कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं वो चेक करना है, तो इज कनेक्टेड नाम का आपको एक फंक्शन मिलता है, उस फंक्शन की मदद से आप अपने कनेक्शन को चेक कर सकते हो कि वो एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि इज कनेक्टेड नाम का फंक्शन यहाँ पे क्वेरी में लिखा है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं मैंने यहाँ पे भी अपने कोडिंग में इफ माइकॉन डॉट इज कनेक्टेड मैंने फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन है इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलन साइन लिखा है, 4 ब्लैंक स्पेसेस इंडेंटेशन फॉलो हुआ है, और अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो सक्सेसफुली ओपनड मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप किया है। मैं आपको इस हमारे जो ये 3 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं 1 by 1 हमारे 2 स्टेप कनेक्शन एस्टेब्लिश के तक वो मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाती हूँ अपने इस कोडिंग के थ्रू कि कनेक्शन एक्चुअली में एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। तो हम मैंने इस फाइल को ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था तो मैं आपको यहाँ पे इसे रन करके दिखाती हूँ रन मॉड्यूल में F5 करके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सक्सेसफुली ओपन का मैसेज आ रहा है, दैट मीन्स हमने जो ये टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में वो टेबल हमारे अब पाइथन से कनेक्टेड हो गया है PyMySQL कनेक्टर के थ्रू, ठीक है। अब हमें जो भी रिकॉर्ड हमें फैच के हमारे डेटा फ्रेम में स्टोर करना है वो चीज़ हम यहाँ पे इसके इस लाइन को रिप्लेस करते हुए लिखेंगे। तो हम आगे की कोडिंग आगे की स्टेप्स देख लेते हैं कि हमें क्या करना होता है। सक्सेसफुली कनेक्टेड का मैसेज यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। अब हम देखेंगे कि हमारा थर्ड स्टेप है उसमें लिखा है एग्जीक्यूट SQL कमांड एंड फैच द रोज इन द डेटा फ्रेम। आपका जो SQL कमांड है रोज को फैच करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वो आपको लिखकर उसके रिकॉर्ड्स को फैच करना है और डेटा फ्रेम के वेरिएबल में आपको स्टोर कराना है। तो जो डेटा फ्रेम का वेरिएबल होगा वो आपको यहाँ लिखकर पांडास को इंपोर्ट किया है जिस एलियास नेम से वो लिखना है, और रीड SQL करके हमारे पास एक फंक्शन है जो रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए यूज होता है, वो उस फंक्शन के अंदर हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करना है, पहला है तो SQL की क्वेरी और दूसरा है कनेक्शन का नेम। तो इस तरह से आपको वो कोडिंग लिखनी है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ DF। आपको इस पर्टिकुलर कोडिंग के जगह आपको लिखना है DF इज इक्वल टू PD डॉट हमारे फंक्शन का नाम है READ रीड। आपको देखो यहाँ पे मिल भी जाएगा वो फंक्शन का नेम अगर आप देखेंगे तो रीड SQL, आप एंटर की प्रेस करके इसे यहाँ से फैच कर सकते हो डायरेक्टली। और जो भी क्वेरी आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि मैंने मार्क्स नाम का टेबल बनाया था तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
मार्क्स, मेरा टेबल का नेम मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे कि आप सबको पता है कि एसक्यूएल क्वेरी सेमी कॉलन से ऐड होती है, तो आपको इसके एंड में सेमी कॉलन रखना है और डबल इन्वर्टर से आपको इसको इनक्लोज करना है। ये टू रूल्स है, आपको ये दोनों रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, सेमी कॉलन एंड डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट है हमारे कनेक्शन का वेरिएबल माइकॉन, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया है कनेक्शन एस्टेब्लिश करते टाइम। फिर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओवर कर देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश होता है तो हमें यहाँ पे इस क्वेरी को यहाँ पे हम लिख कर रिकॉर्ड्स को डेटा फ्रेम में फैच करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको बताया गया है रीड एसक्यूएल फंक्शन यूज़ करते वक्त कि मस्ट एंड विथ अ सेमी कॉलन, जो आपका क्वेरी है वो सेमी कॉलन से ऐड होना चाहिए एंड शुड बी इंक्लोज इन अ कोट्स, और कोट्स में आपका ये कंपल्सरी इंक्लोज होना चाहिए। ये टू रूल्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये क्वेरी लिखोगे तो आपका रिकॉर्ड फैच होके आपके DF1 आपने जो भी वेरिएबल नेम डेटा फ्रेम का पास किया होगा उसके अंदर वो स्टोर कर देगा, और आप इस तरह से प्रिंट DF1 लिख कर आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई मैसेज देना है, तो आप इस तरह से एस कीवर्ड का यूज़ करके आप MySQL कनेक्शन प्रॉब्लम समथिंग आप जो भी डिजायर्ड मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे कोडिंग लिखनी है। जो हम यहाँ पे कोड लिख रहे थे हम वहाँ आ जाते हैं। हमें यहाँ पे हमारा कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश हो गया है, डेटा फ्रेम में हमने फैच कर लिया है, तो हम DF को यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। अगर कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो हम एल्स कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे अगेन एक प्रिंट मैसेज दे देते हैं कि कनेक्शन प्रॉब्लम MySQL कनेक्शन प्रॉब्लम, ऐसा कुछ आप यूज़र डिफाइंड मैसेज यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इस कोडिंग को यहाँ पे रन मॉड्यूल करके सेव करते हैं और चेक करते हैं कि अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाएगा तो वो रिकॉर्ड्स को फैच करेगा और हमारे डेटा फ्रेम में स्टोर करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे रिकॉर्ड था MySQL का, मैं आपको दिखा रही हूँ, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, टोटल मार्क्स, मैंने 5 कॉलम्स यहाँ पे रेडी किए थे, उसके अंदर 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको रेडी करके दिखाए थे, यहाँ पे इंसर्ट करके मैंने आपको वो शो किया था। अब MySQL का जो टेबल है आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो डेटा फ्रेम में आपको यहाँ पे 0, 1, 2, 3 जो कि डेटा फ्रेम के बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग रो इंडेक्सिंग है, और जो कॉलम नेम्स होते हैं वो कॉलम इंडेक्स हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट होके आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होके दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने MySQL के डेटाबेस के टेबल्स की रिकॉर्ड्स को आप डेटा फ्रेम में ईजिली फैच कर सकते हो। जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फैच करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस एज रिक्वायर्ड। आपको उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन अब करना है, फर्दर आपको प्रिंटिंग करना है या डिफरेंट तरीके से क्वेरी को कुछ यूटिलाइज करना है, तो आप यहाँ पे CSV फाइल में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे वो सारी कोडिंग लिख सकते हो स्टेप 4 में। एंड आफ्टर दैट आपका फिफ्थ स्टेप कंपलसरी कनेक्शन क्लोज द कनेक्शन का होना चाहिए। तो आपका जो कनेक्शन है आपको उसे क्लोज करना है, तो क्लोज कनेक्शन क्लोज करने के लिए आपको MySQL.close इस तरह से आपने जो कनेक्शन को ओपन किया है माइकॉन को उसे आपको क्लोज फंक्शन की मदद से क्लोज करना है। तो हम यहाँ पे अपने कनेक्शन को क्लोज करने की क्वेरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एंटर की प्रेस करके यहाँ पे इसके बाद MYCON जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वेरिएबल कनेक्शन का, उसे मैं क्लोज फंक्शन से यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हम इसे रन करते हैं। आप देख सकते हो कि अगेन हमारा आउटपुट यहाँ पे ईजिली वो कनेक्ट होके वो कनेक्शन हमारा सबसे पहली स्टेप है हमारा वो एस्टेब्लिश हो गया है, रिकॉर्ड्स पैकेज को फैच करना, देन आफ्टर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, देन आफ्टर हमारा जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है यानी उसके रिलेटेड हमारा हमें चेक करना है कि उसके लिए हमारा जो फंक्शन है इस कनेक्टेड का उससे हमने चेक किया। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश है तो हमने रीड SQL फंक्शन के थ्रू हमारे रिकॉर्ड को फैच करके डेटा फ्रेम में स्टोर कराया और उस डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट करवा दिया। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा तो उसके रिलेटेड भी हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया है MySQL कनेक्शन प्रॉब्लम, एंड देन हमने लास्ट स्टेप हमारा स्टेप MySQL कनेक्शन को हमने यहाँ पे क्लोज करवा दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया कि किस तरह से MySQL को आप डेटा फ्रेम से कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द स्टूडेंट टेबल
टेस्ट डेटाबेस। टेस्ट डेटाबेस में एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, MySQL के अंदर स्टोर्स द डिटेल्स ऑफ रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, सेक्शन, प्रोजेक्ट। राइट अ प्रोग्राम टू लोड ओनली रोज ऑफ दिस स्टूडेंट टेबल वेयर द मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 एंड इन अ डेटा फ्रेम नेमली MDF। ठीक है ना, तो आपको उस डेटा फ्रेम का नाम भी बता दिया गया है कि आपको MDF रखना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपको पैकेजेस को इम्पोर्ट करने की है, वो आपने लिख दिया। देन आफ्टर आपको MySQL के कनेक्शन को यहाँ पे ओपन करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे रूट, पासवर्ड जो भी है आपका देना है, डेटाबेस का नेम देना है, होस्ट का नेम देना है, कनेक्शन चेक करना है कि एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा दिया है कि उन्हीं स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रिंट करवानी है जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 70 है। ठीक है, तो हमने जो डेटाबेस बनाया था, मैं आपको अगर MySQL में दिखाऊं तो मैंने सारे मार्क्स ऑल ओवर सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो मैं यहाँ पे उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाऊंगी जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा है, मुझे सिर्फ वही देखने हैं। तो मैं उसकी क्वेरी भी यहाँ पे एडिट करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मुझे अगर वही देखने हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वेयर, यहाँ पे मार्क्स की जगह मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना है, तो वेयर यहाँ पे टोटल मार्क्स, जो हमारे फील्ड का नाम है, टोटल मार्क्स एक बार चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें, TOTAL_marks। ठीक है, तो टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 400। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा और इसको मैं यहाँ पे रन मॉड्यूल करके चेक कर रही हूँ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 335 जो स्नेहा नाम की स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 3 है, उसके मार्क्स लेस देन 400 है। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो वेयर कंडीशन के अंदर अप्लाई की है उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो रिकॉर्ड नंबर 3 है लेस देन 400 मार्क्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ इस तरह से स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी आपको देखना है तो आप वेयर कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करके रीड SQL के थ्रू, आप रीड करके फंक्शन के थ्रू रीड करके डेटा फ्रेम में स्टोर करवा सकते हो। तो अगर आपको आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो उसके रिलेटेड भी एज क्वेरी में आप यहाँ पे MySQL प्रॉब्लम कनेक्शन का मैसेज प्रिंट करवा के आप इस तरह से आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकते हो। तो सो स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड subscribe my channel. Thank you for watching, students.